अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वजील हसन के साथ और आज इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि इनका जो चैनल है आज़ादारी टीवी उकाड़ा, इन्होंने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और क्या क्या मुश्किलात इनको दरपेश आईं, और आज इनके 7,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और हम इनसे जानते हैं इनके चैनल के बारे में। जी वजी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे तबीयत है? ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। अच्छा वजी भाई, आप मुझे बताएं कि आपको कैसे ये ख्याल आया कि आपने ये चैनल बनाना है, इस पे काम करना है? पहले तो आप मुझे चैनल के बारे में बताएं ना कि आपको ख्याल कैसे है। चैनल का ख्याल कोई मतलब कोई मैं इस बारे में कोई सीरियस नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे आना ही है। ये था कि जैसे हम कोई बंदा वीडियो अपलोड कर देता है, कोई मजलिस की, कोई कहीं पे मातमदारी है, वो वीडियो बना के तो वो पास रखने से बेहतर लगा कि उसको यूट्यूब कहीं पे उसे अपलोड कर मतलब दिया। ये था कि घर पे कोई पड़ी हुई है, इतनी ना तो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर वगैरह में ना मोबाइल में, बिल्कुल, तो वो वीडियो बाद में जाया ही होती है। तो यूट्यूब का ख्याल इसलिए आया कि उस पर ये है कि अगर कोई वीडियो अपलोड की है वो हम अरसे के बाद भी अगर वो सुनना चाहें देखना चाहें तो वो देखी जा सकती है। बिल्कुल, बस इसीलिए उसको अपलोड करना शुरू किया। और उसके बाद कोई इतना था नहीं कि इस पे प्रॉपर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू कर लिया फिर आपको इसमें मुश्किलात क्या क्या दरपेश आई? मुश्किलात कोई इतनी खास तो नहीं थी, मुश्किलात यही थी कि स्टार्ट में जब वीडियो अपलोड करते थे उस पे आते थे कुछ 10 व्यूज आ गए, 5 व्यूज आ गए, या ज्यादा कोई वीडियो गई तो वो 100-150 व्यूज पे जाके रुक गई। जी अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जैसे आपने चैनल स्टार्ट किया तो स्टार्ट में तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं होते, तो क्या आप उन सब्सक्राइबर जिन्होंने सबसे पहले आपको आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, क्या उनको अप्रिशिएट? स्टार्ट में ना सब्सक्राइबर के लिए एक हर बंदा यूट्यूब पे कोई भी वर्क कर रहा है उसका मेन जो एक टारगेट होता है ना वो सब्सक्राइबर अचीव करना। जाहिर सी बात है कि ऑडियंस होगी तो हमारी वीडियो को वॉच करेगी, तो उसमें पहले तो ये करते थे कि आप हैं जैसे या कोई और मजीद दोस्त हैं उनसे जब कहीं मिले मोबाइल पकड़ के अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया या उसको बता दिया कि वॉच करो, आगे मतलब अपना लिंक सेंड करके कि अपने जितने दोस्त हैं बाब हैं उनसे जाके तो सब्सक्राइब करवाएं। तो स्टार्टिंग में 300-500 सब्सक्राइबर जो थे ना वो इसी तरह किए। उसके बाद फिर जैसे जैसे व्यूज कोई थोड़े बहुत आने शुरू हुए, सब्सक्राइबर भी आने शुरू हो गए, तो बस यही था, उसके अलावा तो कोई नहीं इसमें कोई। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब माशाल्लाह वजील हसन के आज़ादारी टीवी चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा पे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप इस ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मतलब इस जर्नी को? जाहिर सी बात है अपने सब्सक्राइबर्स ऑडियंस के लिए यही है कि आज़ादारी के हवाले से जितनी भी हमारी पहुंच है, जो जो हमारी रेंज में कोई प्रोग्राम आते हैं हम उन्हें कैप्चर करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो आपसे गुजारिश यही है कि उसको अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें आगे दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, ताकि इसमें ये नहीं है अभी कोई हमारी इसमें कोई इतनी कमाई तो है नहीं है, वो जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जितने व्यूज़ हैं वो जितने YouTube पे काम करने वाले हैं उनको अंदाज़ा है कि उसमें वो क्या है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आज़ादारी को प्रमोट किया जाए, मिले आज़ादारी की तशहीर हो, जो मतलब कोई प्रोग्राम कोई मजलिस कहीं पे है वो अगर कोई बंदा नहीं भी वहाँ पे जा पा रहा नहीं सुन पा रहा तो वो YouTube पे अपने घर बैठे वो प्रोग्राम सुन सकता है। बस ये है नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये YouTube चैनल जो है ये देखने को तो बहुत आसान लगता है लेकिन इसके बिहाइंड जो इसके पीछे जो चीज़ें होती हैं उस पर बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम होता है जो कि हम लगा के आपको वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे, आज़ादारी टीवी उकाड़ा हो या कोई भी चैनल हो जिसमें कि आज़ादारी को फ़रोग दिया जा रहा हो, आपने उसको अच्छे से देखना है, उसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जो जैसे एडमिन है उनकी हौसला अफजाई हो। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि वजी भाई को
फर्स्ट पेमेंट रिसीव होने वाली है, जो कि बहुत खुशी की बात है। इस पे इनसे कुछ थोड़ा सा जानेंगे कि वजी भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। इस पे क्या है, हर यूट्यूबर की तरह यही है ना कि जब आपको कोई, आप जैसे 2-2.5 साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं तो उसका एक वो रिवॉर्ड है, उससे ये कोई इतनी खास कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि मोटिवेशन मिलती है कि मोटिवेशन मिलती उसे है, काम को जारी रखा जाए, बस यही है। और इसमें हमारी ऑडियंस जो है वो उनको मजीद तावुन की ज़रूरत है, मतलब ऑडियंस जितना ज़्यादा तावुन करेगी, जितना ज़्यादा हमारे साथ जुड़ी रहेगी, उतना ही हम अपने चैनल पर मज़ीद टाइम दे के इसको मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नाज़रीन, वजी भाई से एक और मैं सवाल करना चाहूँगा कि लोग किस तरह का कंटेंट YouTube पे देखना पसंद करते हैं? जी आसम भाई, कंटेंट तो लाखों करोड़ों किस्म का YouTube पे चल रहा है, लेकिन हमारा एक आज़ादारी के हवाले से चैनल है, तो आज़ादारी में जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ना, आज़ादारी की जो वीडियोस हैं उसमें या तो कोई मातमदारी की वीडियोस हैं ना वो ज़्यादा मतलब उसे लोग पसंद करते हैं, वो ज़्यादा प्रमोट होती है यूट्यूब पे, ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं उस पर। जी दूसरे नंबर पे जो कसायद है ना, ज़ाकरीन उज़ाम जितने हैं इनके कसीदे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उन वीडियोस पे ना ज़्यादा, बाकी वीडियोस की निस्बत ना ये कदरे बेहतर इनकी परफॉर्मेंस होती है, अच्छे व्यूज़ गेन कर लेती हैं ये वीडियोस। चलें जी, हम उन ऑडियंस को अप्रिशिएट करते हैं जो कि कसीदे वगैरह और मातम की वीडियोस देखते हैं। मज़ीद हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। और इसके अलावा मैं वजी भाई से एक और सवाल करना चाहूँगा कि अब तक आप अपने चैनल पर कितनी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं? वीडियोस तकरीबन मेरे चैनल पे 1K+ हो चुकी हैं। माशाल्लाह, देखें जी नाज़रीन, 1K+ वीडियोस हैं जो मतलब अपलोड की लेकिन वो डिलीट कर दी क्योंकि उनका कोई इतना खास ना। नाज़रीन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 1K का मतलब है 1000 वीडियो, और ये वो वीडियोस हैं जो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। इससे अगर हम कंपैरिजन करें कि टोटल वीडियोस का, तो ये तकरीबन 1500 से 2000 वीडियोस बनती हैं जिनमें से हम कंटेंट निकालते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि हम अपलोड नहीं कर सकते, कुछ इस तरह का कंटेंट होता है जैसे कि उसमें समटाइम माइक का मसला आ गया, कैमरा ब्लर आ गया, तो वो वीडियो तो हमने बनाई होती है, टाइम तो हमने अपना पूरा दिया होता है, लेकिन उस पर रिज़ल्ट नहीं आया होता। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।